ले लेते हैं। सवाल नहीं है और मैं राजनीति के मुद्दों में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं एक सैनिक हूं। मैंने सेना में 37 साल नौकरी की है। मेरे पिताजी ने मेरे से पहले और मेरे दादाजी ने उनके उनसे पहले और मेरे बेटे ने कारगिल की लड़ाई में अपनी शहादत दी और मेरा भाई एयरफोर्स में है। मेरी दोनों बहनें सैनिकों के साथ विवाहित हैं। तो जब सेना का अपमान होता है मेरे को बहुत गुस्सा आता है और मैं चाहता हूं कि देशवासी इस बात को समझ लें कि एक लोहे का अनुशासन होता है सेना में। रेप मैंने अपने 37 साल के अंदर मेरे ख्याल से 2 केस कई सुने होंगे और अगर कोई सैनिक मेरे नीचे जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था ऐसा कोई काम करेगा वो श्योरली जेल में जाएगा। इसलिए ये चाहे सच है या झूठ है मुझे पता नहीं है कि किस पेपर में आया और क्या आया, लेकिन यहां पे जो बैठे हुए हैं लोग वो ये कभी ना मान के जाएं कि ऐसा काम सेना का आदमी कोई कर सकता है। वेरी गुड। और छूट सकता है। सर सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं और मैं समझता हूं कि कल एक बहुत अच्छा बयान जो है सेना अध्यक्ष का आया है कि सेना को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। सेना का अपमान इस देश का अपमान है, इस बात को पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। दूसरी सबसे जो दिक्कत की बात है मैं वही कह रहा हूं सर कि मैं कभी इस बात को नहीं गिनाता हूं कि मेरे परिवार से 16 लोग सेना में काम करते हैं। मेरा भाई जो है वो शहीद हुआ है, मैं इस बात को कभी नहीं गिनाता हूं। जब इनके जैसे लोग हमारे सेना की शहादत पर राजनीति करते हैं तब मैं इनपे डिबेट किया हूं इस विषय में। अमित जी आप बैठे हैं, मैं आपके चैनल में डिबेट किया और इनके बयानों के ऊपर और आज ये दुनिया ये झूठ की दुनिया नहीं है। लोगों के बारे में झूठ निकालिए, वो सारा इन्होंने सेना के लिए क्या क्या राजनीति झूठ। आप फिजल गुरु के साथ खड़े हुए हैं, मैं उस पिता के साथ खड़ा हूँ और मरते दम तक उस पिता के चरणों में रहूंगा। मेरे घर से कोई शहीद नहीं हुआ है मगर आप भी मेरा घर है और मैं अफजल गुरु के साथियों को एक्सपोज करूंगा। आप झूठ, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, हिंदुस्तान के नाते मेरा कर्तव्य है। आप लोग मकबूल भट्ट के साथ खड़े होते हैं, आप कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं, आप पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं, इंडियन आर्मी के खिलाफ कहते हैं और हम में ये हिम्मत नहीं है। मैं इंडियन हूं और आप जैसे लोगों को बड़े बाजार में एक्सपोज करूंगा। भाइयों इसको हीरो नहीं बनाना, उसको हीरो बनाना, भाइयों को हीरो बनाना, इसको नहीं। चापलूसी करके आदमी ओएनजीसी का डायरेक्टर बना है। चापलूसी मैं कहता हूं चापलूसी ये नहीं बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इसका जवाब ये नहीं देता। मगर मैं देश को बेचता नहीं, चापलूसी मैं बिल्कुल चापलूस हूं। हमने कुछ कहा है, चलिए दोनों सबूत कोर्ट को दीजिए, दोनों मिलकर भारत माता की जय करते हैं। भारत माता की, भारत माता की जय। गांधी बाबू जिंदाबाद, गांधी बाबू जिंदाबाद से मुर्दाबाद, गांधी बाबू से मुर्दाबाद, गोड से मुर्दाबाद, कम्युनिज्म मुर्दाबाद, गोड से मुर्दाबाद, गोड से मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे, बिल्कुल गोड से, गोड से गांधी हत्यारे को मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, गोड से मुर्दाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद संबित जी, आप आगे बढ़े, मंत्री बने, बहुत बहुत धन्यवाद। चापलूसी करते रहे। कम्युनिस्ट लोगों से भारत माता की जय आज मंच पे कहलाया हूँ, ये छोटी जीत नहीं है। अच्छा, ये कम्युनिस्ट लोग जो भारत माता को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। कम्युनिस्ट